प्यारे व्यूवर्सों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, जैसा कि मुहर्रमों का दिन है तो स्पेशल कुछ ना कुछ बनाया जाता है, तो आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ हलवा। वो सभी जगह जैसे हम बांटते हैं उसके लिए मुहर्रमों में स्पेशल 9-10 तारीख को कुछ ना कुछ चीज़ें बनाकर तकसीम की जाती हैं। तो आज मैं हलवा बनाने वाली हूँ और सभी रिलेटिव के यहाँ पर हलवा भेजना हूँ हलवा भेजूँगी। आप चाहे जो मर्जी कुछ बनाकर भेज सकते हैं, बट मैं हलवा बना रही हूँ तो मैं हलवा ही बांटूँगी, क्योंकि किंजा की वजह से किंजा 2 दिन से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है और बहुत परेशान कर रही है, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाने नहीं देगी, इसलिए मैंने सोचा हलवा थोड़ा जल्दी बन जाएगा तो इसीलिए हलवा बना लेती हूँ। चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने घी ले लिया है हलवा बनाने के लिए, घी अच्छे से गर्म हो चुका है, और 1 kg मैंने ली है यहाँ पर सूजी, और 1/2 kg घी है, तो बाकी भी हम बाद में डालेंगे, पहले ये घी डाल के अच्छे से सूजी को फ्राई करते हैं। चलिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी भुननी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम पहले इसे अच्छे से ब्राउन कलर की होने तक के लिए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सूजी का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो जैसे सूजी यहाँ पर हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई, हम इसको अलग से रख देंगे। आप चाहें तो दूसरे बर्तन में निकाल लें, पर मेरे पास दूसरी कढ़ाई है तो मैं दूसरी कढ़ाई में चाशनी बनाऊंगी, और इसमें मैंने ऐसे ही सूजी को छोड़ दिया। तो देखिए बिल्कुल घी अलग हो चुका है सूजी से। तो इस तरह के क्वांटिटी में मैंने घी डाला था, क्योंकि घी से ही हलवा अच्छा बनता है। घी डाल रहे हैं, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, घी अच्छे से डालें अगर हलवा बना रहे हैं तो। यहाँ पर दूसरी कढ़ाई में मैंने चाशनी के लिए पानी ऐड कर दिया है। पानी की क्वांटिटी हम इतनी रखेंगे, सूजी से डबल हम पानी की क्वांटिटी रखेंगे, ताकि हलवा हमारा यहाँ पे अच्छे से ज़्यादा थिक ना हो और अच्छे से जो सॉफ्ट हलवा होता है वो बनकर रेडी हो। और चीनी भी यहाँ पर हम बराबर की क्वांटिटी में डालेंगे। जैसे सूजी 1 kg है तो हम यहाँ पर चीनी भी पूरी 1 kg ही ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे फूड कलर ऐड करना हलवे में बहुत अच्छा लगता है, इससे हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं अक्सर बनाती हूँ इसी तरह से फूड कलर ऐड करके हलवा, और सबको काफ़ी पसंद आता है ये। तो आप भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, इससे कलर हलवे का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें और क्या ऐड करना है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से डालें, और अगर रोस्ट करना चाहें तो रोस्ट कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं, तो मैं बिना रोस्ट किए हुए डालूंगी यहाँ पर सौगी यानी कि किशमिश। चाशनी पक चुकी है फ्रेंड्स, तो जैसे चाशनी पकी है मैंने थोड़ा सा घी इसमें और डाल दिया, इससे क्या होगा, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है और शाइनिंग, जैसे कि एक दानेदार हलवा होता है वो हलवा यहाँ पर बनकर तैयार होगा। चलें अब हम इसमें सूजी डाल देते हैं, बाकी ड्राई फ्रूट मैं बाद में ऐड करूँगी। तो सूजी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है, अभी इसे हम अच्छे से पका लेंगे हलवे को गाढ़ा होने तक, जब तक इसका रवा रवा निकल जाता, एक एक दाना इसका अलग से नहीं होएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए अब यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे हम, इसमें है काजू, आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। गोला मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि गोला मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे थोड़ा सा हार्ड होता है, कोई भी ज़्यादातर खाना पसंद नहीं करता है। तो हम इसमें ऐड करेंगे काजू, और मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज यानी कि मगज, इनको हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए डालते ही किस तरह से त्रिकोना स्टार्ट हो गया हलवा, और कितना अच्छा सा इसका कलर आया है ये देखिए, और एक एक दाना आप देख सकते हैं किस तरह से शाइन कर रहा है ये देखिए। अगर आप इसी तरह का हलवा बनाना चाहते हैं, और आप क्वांटिटी देख सकते हैं 1 kg हलवा है, कितनी बड़ी कढ़ाई में मैंने इसे बनाया है, तो ये वो फिर भी इतना ही टेस्टी बना है जितना कि हम थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करें, मुहर्रम स्पेशल हलवा। बोलो।
ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हलवा यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। ये देखें, आपका भी मन कर रहा होगा देखते ही जल्दी से फटाफट से खा लें। ये देखें बिल्कुल दानोदार हलवा है, आप इसे चलाइए इस तरह तो ये अच्छे से और पकेगा। घी तो इसमें अच्छे से बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर मैं थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर दूँगी जिससे कि ये बहुत और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए घी साइडों में निकल रहा है, इतना ज़्यादा घी हो रहा है इसमें। ये देखिए कैसे निकल रहा है। तो हलवा बनकर यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसका इसको क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं, डब्बों में पैकिंग कर देती हूँ जैसे जहाँ पर भेजना है डालकर। चलिए जल्दी से रेडी कर दें। अब हम सारी पैकिंग करेंगे डब्बों की और सभी डब्बों में यहाँ पर हमने पैक करना है हलवा। तो ये देखें फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ पैकिंग तो डब्बे भी कर दिए हैं और बाकी पैकिंग अभी जब ये आ जाएंगे वापस से, इनको जब ये चले जाएंगे तो उसके बाद और पैकिंग करूँगी, फिर सारे में इसी तरह से यहाँ पर हलवा पूरा फिनिश होगा। तो ये सब हमने बांटने के लिए बनाया है, हम इसको अच्छे से बांट देंगे। तो ये था हमारा मुहर्रम का लंगर जो हमने बनाया और आपके साथ में शेयर किया। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप जानते हैं तो अब किंजा परेशान कर रही है, उसके पापा ने उसे सुला दिया था, मैंने जल्दी जल्दी से ये सारा काम किया है। अब चलिए जल्दी से इसको बांट देते हैं और बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर करती हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय।